Guys, thank you so much for your visit to our family. We need your support and love. Please press subscribe button and bell icon. It's totally free. Good luck for your exams. Now enjoy. Hello everyone, you are most welcome again on my YouTube channel. और आज हम बात करने वाले हैं कि 2019 में जो नई वैकेंसीज हैं वो शुरू हो चुकी हैं और उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे. तो जिन लोगों को 2018 में सफलता मिल चुकी है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, लेकिन जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपना गैप ना लाएं ये सोच कर कि जब फॉर्म निकलेंगे तभी हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, चाहे वो किसी भी स्कूल की वैकेंसी हो. अगर हम बात करें तो अभी फिर से बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी. आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में तो आएंगी ही वैकेंसीज़, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि वो वैकेंसीज़ आती ही रहती हैं. लेकिन अगर हम बात करें कि KVS हो गया, NVS हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, ठीक है, या केंद्रीय विद्यालय हो गया, DSSB हो गया, अपनी स्टेट की कोई भी स्टेट के नवोदया होते हैं उसमें वैकेंसीज आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कूल्स हैं उनमें वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं. और अगर हम बात करें कि और कुछ स्कूल्स हैं जो कि जैसे पतंजलि के स्कूल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे सैलरी पैकेज देते हैं. और शिवनादर फाउंडेशन हो गया, उसके स्कूल हो गए, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन हो गए, ये सारे इतने हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, बस हमें ढूंढना है कि हमें किस तरह से वहाँ पर पहुँचना है. तो अगर आप अभी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप एक लिस्ट बना लीजिए और अपनी प्रेपरेशन को हाई पॉइंट पर ले जाने की कोशिश कीजिए. ये मत कीजिए कि जैसे जॉब के अब नोटिफिकेशन आएंगे फिर फॉर्म फिल होने की शुरुआत होगी तब जाके आप अपनी फिर से प्रेपरेशन शुरू करेंगे. तो मेरा मानना यही है, या मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. आप अपनी जो तैयारी है उसमें ब्रेक मत लाइए, ठीक है, आपको खुद पर भरोसा रखना है और सेल्फ स्टडी करते रहनी है. तो चलिए इस जॉब के बारे में बात करते हैं कि जो नवोदय विद्यालय समिति है, NVS है, ये रेजिडेंशियल टाइप के स्कूल्स होते हैं और इसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हैं. इसमें जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो 251 पोस्ट पे आई है, और जो आई है ये वैकेंसीज़ वो आई है आपके प्रिंसिपल, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल, PGT, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारी आपको इन चीज़ों में आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें. और ये ग्रुप ए 28, ग्रुप बी 218 और ग्रुप सी में 5. पोस्ट टाइप टीचिंग एंड नॉन टीचिंग बोथ में आई है. अगर आप देखेंगे कि जवाहर नवोदय ने 2018 में भी पोस्ट निकाली थी. अगर आप KVS में देखेंगे तो दो दो बार पोस्ट आ चुकी हैं KVS में 2018 में. पोस्ट टाइप टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो फैसिलिटीज़ हैं ज़्यादा मिलती हैं स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली. लेकिन बस यही होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में उसमें एक बात अच्छी होती है कि आप अपने स्टेट में रहते अपने नज़दीक फैमिली वगैरह में रह सकते हैं. इसमें यह है कि आपको पूरे इंडिया में घूमना है, लेकिन पहली जो प्रायोरिटी है वो जॉब है. अगर तो आप जा सकते हैं और इसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि प्लेसमेंट एनीवेयर इन इंडिया, ये क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल भी होते हैं और KVS का जैसे जो कि रेजिडेंशियल नहीं भी हैं तो आपको कहीं भी इंडिया में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी. ऑनलाइन मोड में इस बार ये एग्ज़ाम होगा, इससे पहले ये ऑनलाइन नहीं होता था. और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम कंपैरिजन करें KVS में और NVS में और DSSB में, ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि ये सबसे जो टफ़ एग्ज़ाम होता है किसी भी सब्जेक्ट में वो NVS का सबसे टफ एग्ज़ाम होता है, सबसे हार्ड पूछा जाता है, उसके बाद में इंटरव्यू भी होता है. और KVS थोड़ा सा मींस NVS से थोड़ा सा कम लेवल का एग्ज़ाम बनाता है. तो आप थोड़ा सा और अच्छी तैयारी रखिए अपनी, काफ़ी थोड़ा हाई लेवल की तैयारी रखें NVS के लिए, ठीक है. अब इसमें अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट्स हैं वो 15 जनवरी से 14 फरवरी 2019 तक आप इसको भर पाएंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी डालने की कोशिश करूँगा. तो तैयार रहिए 2019 के लिए और अपनी तैयारी को कैरी ऑन कीजिए. जब तक जॉब नहीं मिल जाती तब तक कोई वैकेशन नहीं है, और तैयारी करते रहिए.
गुड लक, और जितना हो सकता है आप चैनल पे सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस तरह की तैयारी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको सही लगती है चैनल पे, हम उन्हें कैरी ऑन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिर से अपने चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक फॉर एग्जाम्स।